इस मुसाफिर की दास्तान शुरू होती है इस्तांबुल के इस खूबसूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तुर्किश एयरपोर्ट के ऊपर जो है मैं लैंड कर चुका हूँ और अब मुझे जाना है तकसीम। गाइस जहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जो है एलिवेटर्स लगी हुई हैं वहाँ से -2 का जो फ्लोर है जी वहाँ जाएंगे और वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 16 है वहाँ से बस मिलेगी तकसीम की। बाहर आते साथ क्या ठंड है यार, टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड है डिस्पाइट ऑफ है कि इस टाइम जो है आफ्टरनून है यहाँ पे इस्तांबुल पे। तो यहाँ कॉलम्स के ऊपर जो है नंबर्स लिखे हुए हैं, तो जैसे मैंने एग्जिट किया तो वहाँ नंबर 16 से जो है तकसीम की बस जाती है। बस तक तो चलो हम पहुंच गए, अब ये बताओ कि टिकट कहाँ से देंगे? टिकट्स जो है वो बिल्कुल इधर ही सामने से बिल्कुल मिल जाती हैं, सो 170 लीरा की जो है टिकट ली है मैंने टुवर्ड्स तकसीम। यानी कि यही सबसे सस्ता तरीका जाने का, वरना तुम किसी और तरीके से जाते। और ये अंधेरा क्यों है अंदर? भाई पेट्रोल महंगा यहाँ पे, ये बस बंद रखते हैं। चलो घंटे की राइड है तकसीम तक, मैं भी रेस्ट करता हूँ। सो गाइस यहाँ इस्तांबुल में आज बहुत ही खूबसूरत आफ्टरनून है, सनी सनी बहुत ही खूबसूरत। वैसे तुम तो सनी पे ऐसे खुश हो रहे हो जैसे इंग्लैंड से आ रहे हो। और मौसम भी कुछ ठंडा है। एनी हाउ अभी मैं तकसीम स्क्वायर पे जो है तकरीबन पहुंच चुका हूँ, इसका मेन जो कोर्टयार्ड एरिया है वहाँ पे हूँ। और बस का जहाँ पे स्टेशन था वहाँ से मैक्सिमम 2-3 मिनट्स की वॉक थी। अपना भी तो बता दो कि तुम्हें ये 2 मिनट का रास्ता मिल नहीं था रहा, तुम मैप जो है अपने पास ऑफलाइन डाउनलोड करके आइएगा ताकि आपको डायरेक्शन लाजमी पता हो। यहाँ इसके सामने बिल्कुल इस्तक्लाल स्ट्रीट है, वहाँ पे चलते हैं, उधर ही होटल भी है और यही यहाँ की मेन जो है लोकेशन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं और ठला गुला लगा रहता है। साफ साफ बताओ कि सब पार्टी जो है वो सिर्फ तकसीम पे ही होती है? यह जी तकसीम स्क्वायर और इसकी खास बात यह है 1928 में जो है ये बिल्ड हुआ था और सेंटर में जी हमें मुस्तफ़ा कमाल जो हैं फादर ऑफ द नेशन वो नज़र आएंगे और उनके साथ जो हैं बेशुमार सोल्जर्स हैं। जी दोस्तों सुबह पहुंच गया हूँ फ्रेमिस्ट होटल में। ये तकसीम में जी बहुत ही पुरानी बिल्डिंग में बनाया गया है लेकिन अंदर से तो भाई बहुत लग्जेरियस लग रहा है। वैसे कमाल है भाई, बाहर खड़े खड़े तुम्हें अंदर का लग्जेरियस नजर आ गया। चले आए इसको चेक करते हैं, आई बुकिंग तो यहीं करवाई थी। गाइस हियर आई एम इन द रूम, रूम यार इनका बड़ा बस मुनासिब सा है, इस नीट एंड क्लीन जैसे कि आमतौर पर होते हैं। किंग बेड वैसे बुक करवाया था लेकिन वो नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये 3 बेड लें और इन्जॉय करें। सो मोस्ट ऑफ द टाइम तो बाहर ही गुजरेगा, तो यहाँ पे इन्हीं के बाद नीचे रिसेप्शन पे काफ़ी सारे जो है ना लोगों ने इश्तहार रखे हुए हैं। सो इफ़ यू वांट टू बुक द क्रूज टूअर्स मॉर्निंग का हो या इवनिंग का हो वो आप यहाँ से बुक करवा सकते हैं। सो जी इस होटल के अंदर 2-3 एलिवेटर्स हैं। एक छोटा सा मामला जो मैंने यहाँ पर नोट किया है कि यार जो वॉश चुप क्यों होगी, और साफ कह दो कि यहाँ वॉशरूम के अंदर मुस्लिम शावर्स और लूटे नहीं होते। तो गाइस जहाँ पे जो पहली चीज़ करने वाला हूँ वो तो जाते हैं पहले तकसीम जो स्क्वायर है नीचे बेसमेंट से, वहाँ से कोई कार्ड बनवाते हैं अपना इस्तांबुल कार्ड और उसके बाद ताकि कोई मैनूवर कर सके सिटी में। तो मैंने कार्ड यहाँ से बाय किया इस मशीन से, इट कॉस्टेड 70 लीरा और उसके अंदर जो है चेंज वो देता नहीं और 30 लीरे का उसने उसको रिचार्ज कर दिया। असल बात बताओ कि तुम्हें टेंशन हो गई थी कि तुमने 100 लीरा डाला था और उसने 70 लीरे का कार्ड दिया और 30 लीरे तुम्हें वापस नहीं किए। हाँ क्योंकि मशीन चेंज वापस नहीं करती लेकिन उसने तुम्हें 30 लीरे का क्रेडिट दे दिया था। सो मैंने उसको 50 लीरे का और रिचार्ज करवाया। सो बाकी भी दोबारा कभी भी किसी मशीन से रिचार्ज करवाया जा सकता है इसको। इस्तक्लाल स्ट्रीट फेमस है शॉपिंग के लिए और दूसरा जो है खाने पीने के लिए। अच्छा यहाँ पे खाने पीने की आमतौर पे जो है आपको वो ऑथेंटिक टेस्ट जो होते हैं बिल्कुल लोकल वो यहाँ नहीं होंगे, उसके लिए यू हैव टू मूव अराउंड। कमाल है वैसे इस कॉन्फिडेंस के साथ तुम बता रहे हो जैसे यहाँ पे तुम रोज खाने खाते हो, तुम्हें पता है ऑथेंटिक टेस्ट कहाँ से मिलेगा। लेकिन जो होटल्स हैं रहने के लिए और शॉपिंग के लिए
is one of the best place here in Istanbul. जिस तरह जी लाहौर के अंदर रफीक वगैरह मशहूर हैं मिठाइयों वाले, उस तरह ये यहाँ पे हाफिज मुस्तफ़ा साहब हैं, उन्होंने भी अपनी तस्वीर लगाई हुई है बाहर 1864 से यहाँ पे मिठाइयाँ भी सेल कर रहे हैं। विल ट्राई। लेकिन अच्छा, अगर अपने हाथों से आइसक्रीम छिनवाने और नाक पे आइसक्रीम लगवाने का शौक है तो इस्तक़लाल इज़ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे आपको बहुत आइसक्रीम पार्लर मिल जाएंगे। यहाँ पे मस्जिद के साथ साथ चर्चेज भी हैं एंड दिस वन इज़ 200 ईयर्स ओल्ड। जी, चर्च का एक विजिट था जो यहाँ पे मौजूद है इस्तक़लाल स्ट्रीट पे। आज मैं और आप इकट्ठे सैर करते हैं इस 150 साल पुरानी ट्रैम पे जो कि चलती है तकसीम स्क्वायर से टनल के पॉइंट तक। ले जनाब, इधर टनल के अंदर जो है आगे। भाई, इसको टनल नहीं ट्रैम कहते हैं, टनल इसके लास्ट स्टेशन का नाम है। वही रेड वाली जो नीचे से भी देख रहे थे। आई थिंक अब ये कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। और ये इस्तक़लाल स्ट्रीट के ऊपर जो है चलती है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, आई अज्यूम के अदर एंड। और आई थिंक ये गलाता के पास तो जाती है, तो गलाता तक जाएंगे, थोड़ी सी इवनिंग का व्यू वहाँ पे लेते हैं और फिर इंशाल्लाह वापस आते हैं। जी, तो गलाता तक तो ये नहीं गई टनल, इसने जनाब ये उतारा है हमें इस बिल्कुल कबाबों के सामने। नहीं बड़े भाई, इस जगह का नाम है टनल स्क्वायर, ये साथ जो है वो है कबाबों वाले होटल। हियर इट इज गलाता टावर। सो गाइस, राइट नाउ मैं अभी मौजूद हूँ गलाता के ओल्ड टाउन में। और यार, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरियाज है इस्तांबुल का, और ये स्ट्रक्चर भी शायद इस्तांबुल का सबसे पुराना स्ट्रक्चर इस टाइम गलाता टावर ही है। आइडिया वास कि यार इसके ऊपर जाया जाता और सनसेट को देखा जाता, बट इट लुक्स लाइक के मेंटेनेंस के लिए क्लोज है ये। गलाता का ये नेबरहुड जो है ये फूड स्ट्रीट है, फुल ऑफ पीपल। और मैं कहता हूँ इस्तक़लाल से ज्यादा रौनक जो है ना वो यहाँ पे लगी हुई है ना। अफसोस हो रहा है तुम्हें कि तुमने गलत जगह पे होटल ले लिया। स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी जो है कोई लंच का या डिनर का टाइम नहीं है, बट स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ पीपल और खाने छाने खूब चल रहे हैं यहाँ पे। जी, तो अभी गुजरा हूँ यार, यहाँ की एक बहुत ही पुरानी म्यूजिक शॉप है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे मौजूद जो है नहीं है? वंडरफुल। यहाँ की एक साउनर शॉप है जो कि बिल्कुल गलाता टावर के साथ ही है, और प्राइसेस भी बड़ी रीज़नेबल लगी है मुझे। आई मीन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको 200 टू 300 लीरा में मिल जाती है। जी, लेट्स ट्राई सम तुर्किश शवारमा, इट्स अ रैंडम रेस्टोरेंट। सो गाइस, 80 लीरे का जनाब ये आया है यहाँ पे शवारमा, खाते हैं इसको और आपको बताते हैं फीडबैक। अब मजबूर कर रहे हो तुम उसको कि उसको बाय और थैंक यू करना पड़े। वैसे अंकल ने लिए तो 80 लीरे हैं, लेकिन कंजूसी नहीं की उन्होंने चिकन लगाने पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भर भर के चिकन लगा रहे हैं। यार, द आइडिया वास कि कोई ऐसी जगह से खाना खाया जाए जहाँ पे ना आपको लोकल वाइब आए। सो यानी कि सस्ता मिले खाना। सो आई फाउंड दिस प्लेस इज नियर टू गलाता बट नॉट सो नियर। इसको थोड़ा सा आप कह लें कि पीछे करके है और क्वाइट टेस्टी।
जी संगाड़े को कहते हैं तुर्किश में चशना, और ये खाते हैं यार, इसको फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग ले रहे थे इस दाल पे, सो मैंने सोचा यार मैं भी इसको ट्राई करता हूँ। Left side, that's the European side of Istanbul, and the right side, that's the Asian side of the Istanbul. So guys, अभी जो है क्रॉस कर रहे हैं हम बॉस्पोरस में डोलमापाची पैलेस, बैक साइड पे जो है आप देख सकते हैं यार, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई विल ट्राई कि मैं इसको कल भी जो है अंदर से कवर कर सकूं। एक दफ़ा पहले तो इसके अंदर क्या हूँ, इट्स वंडरफुल यार, उसकी एक एक चीज़ अंदर से जो है ना इंटीरियर फिनिश बहुत ही खूबसूरत है, और सब ब्यूटीफुल व्यू, और फ्रंट पे जो खूबसूरत जो है एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता ब्रिज है, आई बिलीव दिस इज़ द थिंग जिसके लिए जनाब आपको इस्तांबुल लाजमी आना चाहिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर इस टाइम इस्तांबुल में रात का तकरीबन 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हवा जो है ठंडी चल रही है, लेकिन एक ख़ास चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सामने अगर आप देखें ब्रिज पे, आई मीन क्लाउड्स का लेवल जो है वो ब्रिज को जो है ना इतना नीचे आए हुए हैं कि ब्रिज जो है उसको कवर कर रहे हैं, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बहुत सी चीज़ें जो है वो इस कैमरे में कवर नहीं हो सकती, आई मीन जो इस खूबसूरत मौसम के अंदर एक एहसास है, परिंदों की आवाज़ें हैं, सीगल्स जो है वो उड़ रहे हैं, दूर दूर से नज़र भी आ रहे हैं इस टाइम पे, इसका एहसास करना वाकई उसके लिए जाना पड़ता है भाई, कैमरा कैन नॉट कवर एवरीथिंग। नीचे यार कोई फंक्शन वंक्शन का सीन भी है, कुछ पार्टी शार्टी भी चल रही है, तो वो भी जाके देखेंगे, डीजे जो है वो भी एक्टिव होगा, और उसके अलावा इनके यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल म्यूज़िक और डांस वगैरह भी होंगे। सो आई विल ट्राई कि जो भी मैं कवर कर सकूँ इस व्लॉग के लिए वो मैं आपके लिए ज़रूर कवर करूँ। और आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, जिसमें मैं विजिट करूंगा सुल्तान अहमद मॉस्क, टोकापी पैलेस, आया सोफिया जो कि ज्यूल ऑफ द इस्तांबुल है, और उसके अलावा मैं विजिट करने वाला हूं बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस आइलैंड। और हाँ, जहां तक आप इस्तांबुल आएँ और खाना ना खाएँ जी, तो हाफिज़ मुस्तफ़ा के बकलावे भी ट्राई करेंगे और रूफ टॉप डिनर भी करेंगे, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग ट्रिप। See you all next week with another episode. Bye-bye.